वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार। मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी एएलपी पेपर 2 के बारे में, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक सब सेक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसका आप लोगों का चल रहा है क्लास नंबर 19। तो जो लोग चैनल पे नया आए हो, आप लोगों को इसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा किसी भी वीडियो में, ठीक है। वहां पे आप लोग क्लिक करो और क्लास 1 से देखो तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कोन के बारे में, सिलेंडर के बारे में और स्फीयर के बारे में बताया था, जिसमें स्फीयर के बारे में जो मैंने बताया था उसमें एक कंसेप्ट आपका और है, वो आप लोग समझो कि देखो अगर आपके पास बॉल है तो बॉल फट जाता होगा, तो आप लोग देखते हो कि बॉल इस तरह का होता है, ये थिकनेस होता है बॉल का और ये अंदर में होल रहता है। तो अगर आपको इसका वॉल्यूम पूछा जाए, मान लो कि ये इसका आउटर रेडियस कैपिटल आर है और इसका स्मॉलर रेडियस जो है सो स्मॉल आर है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, ये होता है हम लोगों का 4/3 πr³। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस बड़े वाले स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा इसमें से छोटे वाले स्फीयर के वॉल्यूम को हम लोग घटा देंगे, तो हम लोगों का आ जाएगा 4/3 π कॉमन ले लो r³ − r³। तो ये फॉर्मूला होता है। एक बात और, कुछ लोग बार बार कमेंट करते हैं कि सर प्रोजेक्शन पढ़ाइए और व्यूज पढ़ाइए, मतलब इस तरह से बोलते हैं ना कि उनको रेलवे का इंटरनल सोर्स से पता चल गया है कि एग्जाम में ना सिर्फ प्रोजेक्शन और व्यूज से ही क्वेश्चन आने वाला है, मतलब ज्योमेट्रिक फिगर से तो आएगा ही नहीं। देखो अगर आप लोगों को ज्योमेट्रिक फिगर नहीं पढ़ना है तो आप लोग मत पढ़ो, जब प्रोजेक्शन और व्यूज पढ़ाएंगे तब आप लोग पढ़ना, ठीक है। लेकिन मैं रेलवे पे फोकस कर रहा हूँ और रेलवे ने जो जो सिलेबस दिया हुआ है फॉलो करवा रहा हूँ आप लोगों को। डीजीईटी के साइट पे जाके देखो ज्योमेट्रिक फिगर में क्या क्या दिया हुआ है, रेलवे में आप लोग देखो सिलेबस में ज्योमेट्रिक फिगर में क्या क्या दिया हुआ है, आप हर जगह देखो कि क्या है। और डीजीईटी के साइट पे आप लोग बात करते हो ITI का, तो ITI ना 2 साल का होता है और इसमें क्या होता है, ड्राइंग है। मुझे भी पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग होता है और ड्राइंग में आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ता है कि एक लाइन को आप बाइसेक्ट कैसे करोगे बताओ। तो इसका प्रोसेस होता है कि हम लोग लेते हैं हाफ से ज्यादा लिख के, इधर ड्रॉ करते हैं, इधर ड्रॉ करते हैं, फिर इस पॉइंट पर रख के इधर ड्रॉ करते हैं, इधर ड्रॉ करते हैं और मैच करते हैं। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, वहां पे आपको ड्रॉ करके नहीं दिखाना है, आपको वहां पे MCQ पूछेगा, MCQ पूछेगा। और साफ साफ मेंशन है सिलेबस में कि रेलवे का मेन फोकस जो है सो आपका ज्योमेट्रिक फिगर पे भी रहेगा, प्रोजेक्शन व्यूज पे भी रहेगा, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पे भी रहेगा। तो आप लोग इसको कैसे छोड़ सकते हो, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये मैथ्स है, तो देखो मैथ ना यहाँ से स्टार्ट होता है, मैथ यहाँ से स्टार्ट होता है। ये मैं नॉर्मल आप लोगों को ज्योमेट्रिक फिगर के बारे में बता रहा हूँ, क्या होता है ज्योमेट्रिक फिगर, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, साइड क्या होता है, कोण एंगल, ये सारा चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग ज्योमेट्रिक फिगर ही पढ़ रहे हो, ओके, मैथ नहीं पढ़ रहे हो। मैंने लेवल इतना ही रखा हुआ है जितना आप लोगों को ज्योमेट्रिक फिगर में काम आएगा, ठीक है। चलो एग्जाम में अगर आपसे पूछ देगा ना कि सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, तो आप लोग अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आप लोग खुद बोलोगे कि सर आपने तो ज्योमेट्रिक फिगर में ये बताया ही नहीं था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी छूटे, तो आप लोग ना फॉलो करते जाओ, पढ़ाई में कम से कम कंजूसी मत करो। और जब व्यूज आएगा, प्रोजेक्शन आएगा, लेटरिंग आएगा, डायमेंशन वाला आएगा, तो आप लोग उसमें भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलो इफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 850 m³, देन द रेडियस एंड सरफेस एरिया। सिंपल सा बात है, स्फीयर है, अब स्फीयर का बात हो रहा है तो इसका जो है सो आप सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr², ये होता है इसका सरफेस एरिया, यही होता है ना इसका सरफेस एरिया 4πr², और आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, ये होता है। तो आप इस पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो आपका ये जो भी है करके देख लेना r³। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आप लोग देख लेना, कैसे भी करके आप सॉल्व करो, 2 से 2 × 4 और 2 से 2 × 6 = 8 = 25, ये आपका हो गया 7 और 3 इधर आ जाएगा 21 / 44, ये आपका हो जाएगा r³।
ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करके देख लेना, जो भी आएगा आप लोग चेक कर लेना। तो यहाँ से आप R निकालोगे तो R आपका आ जाएगा 5.88, यहाँ से आपका R आ जाएगा। और इस R का वैल्यू यहाँ पे आप लोग रखोगे तो यहाँ पे आप रखोगे R का वैल्यू तो ये आपका निकल के आ जाएगा 434 मीटर स्क्वायर। ये मैं आप लोगों को बस कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि रेलवे के एग्जाम में आपको ऐसा डाटा दिया होगा कि आप आसानी से निकाल लोगे, आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो बताओ ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr2। ये हो गया आप लोगों को। तो अगर आपको ज्योमेट्रिक फिगर से रेलवे क्वेश्चन पूछता है ना तो इसी टाइप का पूछेगा, इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इफ अ हेमिस्फीयर हैज अ कर्व्ड सरफेस एरिया, सिर्फ मैं पकड़ना सिखा रहा हूँ। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस समझने का कोशिश करो। ठीक है, अगर हेमिस्फीयर का बात हो रहा है, इस तरह का हेमिस्फीयर का बात हो रहा है ऐसे करके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपका ये है ओनली ये, तो ये होता आपका 2πr2। और अगर टोटल सरफेस एरिया का बात करता तो हो जाता 3πr2। तो यही चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2πr2 इक्वल टू आपको दिया हुआ है 175, ये आपको दिया हुआ है। और आपको रेडियस निकालना है तो आप रेडियस ऐसे निकालोगे 175 गुना 7 बट्टा 2 गुना 22, और इसको आप लोग सॉल्व करोगे आप लोगों का जो है सो आ जाएगा R इक्वल टू 5.28 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 27.84 समथिंग आएगा, और इसका जब रूट निकालोगे तो आपका 5.28 आएगा। ठीक है, आप लोग बस ये सीखना कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बाकी डाटा जो है सो रेलवे आपको आसानी से देगा, ऐसा कि कैलकुलेट आप लोग कर लोगे आराम से, कट जाएगा वो। अब बास्केटबॉल, अब देखो बास्केटबॉल क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि ये स्फीयर है, सर्किल मत समझना, और इसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3πr³, ये होता है। और ये आपका दिया हुआ है 5600, ये आपका 5600 दिया हुआ है। आप लोग कर लेना 22/7 r³ इक्वल टू 5600, r³ इक्वल टू 21×5600 बट्टे 4×22। आप लोग कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, करके देखो आप लोग कैसे करोगे। ये आपका 11 से ये आपका 2800, उसके बाद ये आपका 4 से 700, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों का जो है सो 1336.3636 के आसपास आएगा r³ इक्वल टू। और हम लोग जानते हैं कि 11 का क्यू कितना होता है, 1331 होता है, तो अप्रोक्स आंसर है आपका, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3πr³। सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब बताओ सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, तो ये होता है हम लोगों का सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस नहीं बोल रहा है, नॉर्मल सरफेस एरिया बोल रहा है, तो ये हम लोगों का πr² होता है। ठीक है, और अगर टोटल बोल देता तो हम लोग इसको भी कंसीडर कर देते, तो इस केस में क्या होता है πr² प्लस πr², क्योंकि बेस सर्कुलर होता है और πr कॉमन ले लेते तो l प्लस r ये हो जाता, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा πr². अ कोन विथ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर हैज सरफेस एरिया, फिर से उसी तरह से देखो आपका सर्कुलर बेस का ये कोन है, और इसमें जो है सो आपका क्या दिया हुआ है, रेडियस 5 दिया हुआ है और हाइट आपका 12 दिया हुआ है, तो ये सर्कुलर बेस है, तो यहाँ पे ये 90 कर देंगे हम लोग, हाइट है ये हाइट, तो हाइट तभी होगा जब वो बेस से 90° पे होगा, परपेंडिकुलर होगा तभी वो हाइट होगा, अदरवाइज वो हाइट हो ही नहीं सकता है। तो ये आपका 13 हो गया। और क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया πr² 22/7 × r कितना है 5 और l कितना है 13। l क्या होता है, ये होता है तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, स्लैंट हाइट जिसको बोलते हो, इसको आप लोग सॉल्व करोगे, आप लोग सॉल्व करना 13/65×22/7, 65×130 13/65×130 और 13/143/7, तो 7×14
07628 यानी 204 पॉइंट समथिंग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, किसी सिलेंडर का रेडियस को हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं, हाफ यानी आर जो था वो आर बाय टू हो गया और हाइट को डबल कर दे रहे हैं यानी एच जो था वो एच बाय टू हो गया, मतलब इस तरह से हो गया, इस तरह से ऐसे आर जो है सो आधा हो गया, ये आर था, ये आपका आर बाय टू था और हाइट जो है सो आपका एच था, तो ये आपका टू एच हो गया, टू एच हो गया, ठीक है। चलो देन व्हाट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया, अब कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसको जो है सो आप कॉमन सेंस लगा के भी बना सकते हो। सबसे पहले मुझे ये बताओ इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोगों का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो क्या सिखाए थे कि सर्किल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है और उसी को एच हाइट तक उठा देते हैं, यानी 2 पाई आर एच होता है। मतलब अगर फॉर्मूला आपको नहीं भी आता रहेगा तो आप लोग इस तरह से निकाल लेना, तो 2 पाई आर एच होता है यानी 2 पाई आर एच था। अब इस केस में हम लोग क्या किए, 2 पाई आर के जगह आर बाई टू कर दिए और एच के जगह टू एच कर दिए, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि 2 पाई आर एच ही आ रहा है और यहाँ पे भी 2 पाई आर एच ही है, यानी पहले भी इतना था और बाद में भी इतना है, तो क्या हो जाएगा, सेम रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ राइट सर्कुलर कोन हैज रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट 5 सेंटीमीटर देन व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट सर्कुलर कोन ये है आपका, ठीक है, इसमें आपका क्या दिया हुआ है, रेडियस 4 है और स्लेंट हाइट 5 है। देखो स्लेंट हाइट तो ये 90 डिग्री होता है, तो आपका कितना हो जाएगा, हाइट ये 3 हो जाएगा, तो हाइट आपका 3 हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बताओ, ये होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये भी मैंने आपको बताया था कि सिलेंडर का सर्कुलर बेस होता है पाई आर स्क्वायर, उसको एच से उठा दो पाई आर स्क्वायर एच, और एक सिलेंडर में जो है सो 3 कोण होता है, तो ये 1/3 ये हो गया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये आपका वॉल्यूम, तो ये आपको निकालना है। 1/3 करेंगे, पाई को पाई रहने देंगे क्योंकि क्वेश्चन में पाई दिया हुआ है, आर कितना आया, आर हम लोगों का 4 दिया हुआ है, तो 4 × 16 और हाइट कितना निकाले 3, तो हम लोग 3 से 3 कट हो जाएगा यानी 16 पाई सेंटीमीटर क्यू आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना सो आपका ज्योमेट्रिक फिगर में आ सकता है कि एक कोण दिया हुआ है तो उसका आपको वॉल्यूम या पूछ देगा या एरिया पूछ देगा, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, और कुछ डाटा दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से। द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज आर, तो व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, सिंपल सा कंसेप्ट है, हेमिस्फीयर आर है और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू, हो गया आंसर। इसी लेवल पे रहो आप लोग ज्योमेट्रिक फिगर में। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया का कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है कि ओनली कर्व्ड सरफेस पूछेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ये अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग क्या बोलोगे, 2 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसी का आधा कर देते हैं हम लोग हेमिस्फीयर के केस में, कर्व्ड के केस में 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब टोटल का बात होता है तो ये वाला भी हम लोगों को लेना पड़ता है, 1 पाई आर स्क्वायर और जोड़ देते हैं तो ये 3 पाई आर स्क्वायर, तो इसका टोटल, इसका कर्व्ड, इसका टोटल। तो इसमें आप लोग अच्छे से समझ जाना कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो आप लोग क्या बताओगे, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड, अब देखो एक स्फीयर ये है, इसका क्या पूछा, सरफेस एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज टू रेशियो पूछा है ना, दूसरा में हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 पाई आर को हम लोग 2 आर कर दे रहे हैं, यही पूछा है ना आपसे क्वेश्चन कि इसका और इसका रेशियो बताओ, पहला का जो रेडियस था दूसरा के केस में हम लोग क्या किए, डबल कर दिए, तो सिंपल 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 1:4 आप लोगों का आंसर आ जाएगा, 1:4। एक चीज और याद रखना आप लोग कि देखो
1:4 भी दिया हुआ है और 4:1 भी दिया हुआ है। मैं इस बारे में आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि टिक करते समय देख लेना कि पूछ क्या रहा है। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो पहले रेडियस था उसके बाद डबल किए, पहले रेडियस था उसके बाद डबल किए, तो आंसर हो जाएगा 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू राइट सर्कुलर कॉन्स ऑफ इक्वल कर्व्ड सरफेस एरिया हैव स्लेंट हाइट इन द रेशियो ऑफ 3:5। अब आप लोगों को मैं कोण बता रहा हूँ, ज्योमेट्रिक फिगर पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। देखो कोण क्या होता है, कोण तो मैंने आपको बताया है, लेकिन राइट सर्कुलर कोण का मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है। देखो राइट सर्कुलर कोण का मतलब होता है एकदम से सिमिलर, सेम होना चाहिए, पूरी तरह सिमिलरिटी आना चाहिए। जैसे कि ये 90 डिग्री है ना रेडियस का, तो अगर आप ये एक्सिस ड्रॉ कर रहे हो, मिरर बना रहे हो, दोनों साइड सेम होना चाहिए सारा का सारा चीज। तो ये है आपका राइट सर्कुलर कोण, ठीक है। लेकिन क्या ये कोण नहीं है क्या? ये भी कोण ही है, ये भी कोण ही है, इस तरह से कर दो आप, ये भी कोण ही है, ओके। और ये भी सर्कुलर कोण ही है, क्यों? क्योंकि इसका बेस सर्कुलर है, सर्कुलर कोण ही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर कोण एंड राइट सर्कुलर कोण, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग जानते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ये होता है। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो आपके पास राइट सर्कुलर कोण है और दोनों का जो है सो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल है। तो चलो, तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे पाई आर वन एल वन इक्वल टू पाई आर टू एल टू, पाई पाई कैंसिल। अब आर वन बाई आर टू इक्वल टू एल टू बाई एल वन, ध्यान देना ये चीज। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्लेंट हाइट जो है वो 3:5 के रेशियो में है, मतलब एल वन इज टू एल टू जो है वो 3:5 के रेशियो में है, मतलब एल वन बट्टे एल टू जो है वो 3:5 है। यहाँ पे मेरा क्या है, एल टू बट्टे एल वन है, यानी 5:3, ये हम लोग का हो गया। और पूछा क्या जा रहा है हम लोगों को, रेडियस का रेशियो, तो आर वन बट्टे आर टू हम लोगों का आ गया, क्या आया 5:3, तो हम लोगों का आंसर ये हो जाएगा 5:3। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो हम लोग एक दो चीज देखो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको काफी जल्दी नेक्स्ट लेक्चर लाने वाला हूँ, इसमें हम लोग अब बात करेंगे क्यूब के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्यूबॉइड के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, फिर पिरामिड के बारे में बात करेंगे, फिर पाराबोला, फिर हाइपरबोला, और इसके बाद हम लोगों का मोटा मोटी 2 से 3-4 लेक्चर में हम लोगों का ज्योमेट्रिक फिगर कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप लोगों का एग्जाम मिनिमम 2 महीना नहीं होने वाला है, 2 महीना के बाद ही होगा, तो आप लोग उसका टेंशन मत लो। डेली आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर मिल रहा है, तो आप लोग बस फॉलो करो, और ये मत सोचो कि ज्योमेट्रिक फिगर ही पढ़ रहे हैं बहुत दिन से। 3 चैप्टर और है, लेटरिंग एंड डाइमेंशन, ओके, उसके बाद आपका है ये वाला व्यूज एंड प्रोजेक्शंस, यही 2 है ना मेन, तो इसके बाद हम लोग वही तो करने वाले हैं। और स्टार्टिंग से मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वहां से लास्ट तक प्रोजेक्शन और व्यूज तक सारा का सारा आप लोगों को ओनली रिवीजन करना है। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज नहीं, बस पढ़ना है हम लोगों को, इतना पढ़ना है कि हम लोग एग्जाम में जाए तो हम लोगों को सारा का सारा देखा हुआ लगे, ठीक है। तो मेरा काम है लेक्चर प्रोवाइड करना, मैं लेक्चर प्रोवाइड करने में जब कंजूसी नहीं करता हूँ तो आप लोग पढ़ने में क्यों कंजूसी करते हो? मतलब लोगों को लगता है कि 50 लेक्चर के जगह 5 लेक्चर में ही अगर काम बन जाता तो सिलेक्शन हो जाता, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो सोचते रहो, जो लोग पढ़ने वाले हैं वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। तब तक आप लोग मन से एग्जाम का तैयारी करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।